तनीषा के जन्म के समय ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। इसके बाद उसके घर में उसके दादा दादी चाचा चाची सब उसे मनहूस समझते थे। थोड़ी बड़ी होने पर उसे घर भर के ताने सुनने पड़ते थे। बेचारी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। उसके पिता दिन भर काम करते थे, शाम को घर वापस आकर उन्हें तनीषा की हालत देखकर बड़ा दुख होता था। वो अक्सर सोचते थे, कैसे लोग हैं मेरे घर के, एक तो इस बेचारी बच्ची की माँ नहीं है, ऊपर से ये लोग इसे मनहूस कहते हैं। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मेरी बच्ची का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। एक दिन वो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ तनीषा को स्कूल में दाखिला दिलाने चल पड़े। अभी वो घर से निकले ही थे कि राम राम दीनानाथ बाबू, क्या बात है, इस बार बड़ी जल्दी शहर जा रहे हो, और ई तनीषा बेटिया को कहाँ ले जा रहे हो? मैं तनीषा को दाखिला दिलवाने ले जा रहा हूँ, अब तनीषा भी पढ़ाई करेगी। बावला हो गया है क्या दीनानाथ? लगता है तुम गांव के तौर तरीके भूल गए हो दीनानाथ बाबू। भला लड़कियों को कौन पढ़ाता लिखाता है? लड़कियां चूल्हा चौका करते ही अच्छी लगती हैं। बाहर का काम आज भी लड़के ही संभालते हैं। ये सब दकियानूसी बातें हैं। आखिर कब तक तुम लोग लड़का और लड़की में फर्क करते रहोगे? मेरी बेटी जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही करेगी, तुम्हें इससे क्या? हमें क्या, देख लेना, एक दिन यही तुम्हारे मुंह पर कालिख पोतेगी, तुम कहीं मुंह छिपाने के लायक नहीं रहोगे। लेकिन मुंह छिपाने तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। दीनानाथ ने इतना कहा और तनीषा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। विद्यालय में दाखिला पाकर तनीषा को नया जीवन मिल गया। वो बहुत खुश थी। अब बस तुम मन लगाकर पढ़ाई कर मेरा बच्चा, और उन सब लोगों के मुंह पर ताला लगा दे जो समझते हैं कि लड़का लड़की एक समान नहीं होते हैं। तू तो मेरा गुरूर है, बोल करेगी ना पढ़ाई? जी पापा। दीनानाथ ने खुशी से तनीषा के सर को चूमा और फिर उसे गले लगा लिया। समय बीता और तनीषा ने धीरे धीरे अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर ली और गांव से दूर किसी दूसरे गांव के ही कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो गया। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था। तनीषा ने अभी अभी कॉलेज में प्रवेश ही किया था कि कुछ लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। अरे मुन्ना भैया, वो देखिए कॉलेज में नया माल आया है। मुन्ना कॉलेज के छठे हुए बदमाश लड़कों का लीडर था। उसके दादा प्रदेश के मंत्री रह चुके थे। कॉलेज में उसकी इतनी धाक थी कि सब के सब उससे पंगा लेने से डरते थे। कहाँ जा रही हो जाने मन, जरा हमसे भी तो मिलती जाओ, कब से तुम्हारे दीदार के लिए खड़े हैं। तनीषा को उसकी बदतमीजी बहुत बुरी लगी, मगर उसने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ने लगी। वो अपने कॉलेज के पहले दिन को खराब नहीं करना चाहती थी, मगर मुन्ना भी कम बदमाश नहीं था। उसने लपक कर तनीषा का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा, क्या करोगी, प्रिंसिपल से शिकायत करोगी? नहीं, थप्पड़ लगाऊंगी। और फिर तनीषा ने करारा तमाचा मुन्ना की गाल पर चढ़ दिया। चटाक की जोरदार आवाज हुई और सब लोग उस तरफ देखने लगे। मुन्ना की आंखों में खून उतर आया। वो दांत पीसते हुए बोला, तुझे पता है तूने किस पर हाथ उठाया है? चचा विधायक हैं हमारे यहाँ के। तो क्या सारे शहर की लड़कियाँ तेरी जागीर हो गईं? अभी तो सिर्फ थप्पड़ लगाया है, अगर दोबारा इस तरह की हरकत की तो सबके सामने चप्पलों से तेरी पिटाई कर दूंगी। इतना कहकर तनीषा वहाँ से चली जाती है। मुन्ना बस गुस्से से देखता रह जाता है। वाह, मजा आ गया, कोई तो आया जिसने इस मुन्ना को अच्छा सबक सिखाया है। मगर ये मुन्ना भी छटा हुआ बदमाश है, चुप नहीं बैठेगा। एक शाम कॉलेज का फंक्शन था। सारे छात्र छात्राएं नाच गाने में मग्न थे। तभी बाथरूम से एक छात्रा के चिल्लाने की आवाज आती है। सब लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर लोगों को जोरदार धक्का लगता है। बाथरूम के फर्श पर तनीषा की लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर जगह जगह नोच खसोट और चोटों के निशान थे। उसके साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई थी। सब जानते थे कि ये किसने किया है, लेकिन सामने आकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तनीषा की लाश का पोस्टमार्टम करके उसके पिता के हवाले कर दिया गया। दीनानाथ अपनी बेटी की लाश को लेकर गांव आ गया। वो उसका अंतिम संस्कार करते करते रो पड़ा। हाय मेरी बच्ची, ये तुझे क्या हो गया है, किस दरिंदे ने ये हरकत की है। हाय, क्या क्या सपने देखे थे मैंने,
मगर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, करा दिया ना मुंह काला। जरूर इसकी बेटी की ही गलती होगी, क्या जरूरत थी उसे स्कूल कॉलेज भेजने की है? मैंने तो सुना है जिस दिन ये मरी उस दिन कॉलेज की पार्टी में गई थी, मौज मस्ती कर रही थी। भला बताओ, भले घर की लड़कियां पार्टी वार्टी में जाती हैं क्या? चुप करो सबके सब, शर्म नहीं आती तुम्हें मेरी बेटी को उल्टा सीधा बोलते हुए? मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, मैं ये साबित करके रहूंगा, समझे तुम सब? उस दिन से दीनानाथ अपनी बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए दर दर भटकना शुरू कर देता है, मगर जानी मानी हस्ती होने के कारण मुन्ना साफ बरी हो जाता है। दीनानाथ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और पागल हो जाता है। इस घटना को साल भर हो जाता है। आज फिर कॉलेज का फंक्शन है, नाच गाने का माहौल चल रहा था, तभी बाथरूम से किसी के चीखने की आवाज आती है। इस बार ये चीख किसी लड़की की नहीं थी बल्कि किसी लड़के की थी। सब लोग भागकर बाथरूम की ओर जाते हैं। बता सबको कि तूने मुझे कैसे और क्यों मारा था। तेरे ही कारण मुझे असमय संसार से जाना पड़ा था। मेरे पापा मेरे इंसाफ के लिए सर पटक पटक कर पागल हो गए। बता जल्दी। मैंने ही तनिषा का खून किया है। उस दिन इसके कारण मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए पिछले साल फंक्शन वाले दिन अपने दोस्त राघव के साथ मिलकर पहले तनिषा के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। मुझे माफ कर दो तनिषा। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है। इतना कहकर तनिषा अपने तेज नाखूनों वाले हाथों से दोनों की गर्दन दबोचकर उनका काम तमाम कर देती है। इस तरह तनिषा न केवल अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेती है बल्कि खुद को निर्दोष साबित करते हुए गांव वालों का मुंह भी बंद कर देती है।